बुलाया समा कहीं बुझ न जाए न जाए न जाए बेचारी दास्ता। फिरती थी हवाओं में पर लगते थे पाँवों में, जिंदगी बंद पिंजरों में क्यों आज रहती नींदों के संदूकों में। कभी सोने के सपने थे आज पीतल के टुकड़ों को मोहताज रहती है। सॉरी देर हो गई। नो इट्स ओके, अभी तक डॉक्टर नहीं आए। एक्सक्यूज मी, आप डोनर हो ना? ओके, यू वेट हियर, आई ब्रिंग फॉर्म्स, देन यू कैन डोनेट। ओके जी। काफी गर्मी है। You don't have to talk if you don't want to. It is not a toy, madam. It will change our whole life. It? बुढ़ापे में तुमको घर से बाहर निकाल देगा अगर तुमने उसको it कहा तो। Okay. बच्चा होने के बाद ना हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अरे इतना बड़ा डिसीजन है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना। निशिकांत को देखो, पायल के बिना वो एक मिनट नहीं रह सकता है। तुम्हें याद है शुरू में नीता से कितना झगड़ा किया करता था? सेम आर्ग्यूमेंट्स। तुम सब हस्बैंड्स एक जैसे ही होते हो। ठीक है, देखो ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। ओ तो ये मेरे अकेले का डिसीजन है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे काम का क्या होगा और ये लोन कैसे रिपे करोगे? हाँ मानव, एक बार टाइम निकल गया तुम पछताएंगे। अडॉप्ट कर लेंगे,
It's simple. I really want us to have our own baby. I want to get pregnant and enjoy every moment. Please. Manav, सुन रहे हो तुम? क्या? क्या हुआ? आफिया? पर क्यों नहीं? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? Go ahead and do it. I'm talking about having a baby, not a bloody fridge. I'm sorry. Why did you do that? I love her. I want a divorce. Look, it's the right thing to do, I guess. I can't leave her. What? I just can't. Not ready. अब एक साल में रेडी हो गया? वो झूठ बोलता रहा और मैं समझ ही नहीं पाई. पता नहीं कैसे मैं उसकी बातों में आ गई. What an idiot I am. जो होता है अच्छे के लिए होता है. Please. Life's not over. You're still young. I'm never going to trust another man. Ever. It's just not worth it. You know what? I'm going to have a baby on my own. Yes. Kya? What is there to be so surprised? You don't need a man anymore to have a child. Scientifically, it's possible. That's a very stupid idea. No, it's not. अरे क्या गारंटी है कि अगला आदमी मानव जैसा नहीं होगा? मुझे अब कोई चाहिए ही नहीं. It's too much of a risk. अगर मैं अकेले जी सकती हूँ तो मैं अकेले बच्चा भी पैदा कर सकती हूँ. आफिया, प्लीज. हेलो जी माँ. नहीं, वो कॉलेज में नहीं हूँ, काम से आया हूँ दोस्तों के साथ. हाँ, पापा जी से बात कर लेता हूँ. ओके माँ, बाय. मम्मी का फोन था जमशेदपुर से. सुबह बात नहीं कर पाए क्या? रोज फोन करना पड़ता है 3 बार. पढ़ाई कैसी चल रही है? आई मीन बना है एग्जाम्स? नहीं, उसके लिए टाइम है. हमारा सेमेस्टर 1.5 साल का है ना. एक्सक्यूज मी. आफिया के भाई. राइट, ये तो आपनर शॉपटा भरबेन. ये तुम्हारा है जी. ये तुम्हारा 3rd टाइम है ना जी? टेस्ट रिपोर्ट्स वो आपको मैंने पिछले बार दिए थे, सब क्लियर है. 3 दिन फास्टिंग किया जी. 3 दिन? But why does he have to 3 दिन का फास्टिंग? इतना वही फास्टिंग नॉइ, वही फास्टिंग. 3 दिन का रूल आछे.
ডোনেশনের আগে স্পাম কাউন্ট স্ট্রং হবে। এক্সকিউজ মি, জাস্ট আ মিনিট, আই এম কামিং। अरे तुम पढ़ोगे नहीं? नहीं, पढ़ लिया मैंने कई बार, कुछ नहीं, वही मैं बच्चे पे कुछ क्लेम नहीं करूंगा, कुछ अधिकार नहीं है बच्चे पर, ये वो। नहीं पर अगर तुम उससे कभी मिलना चाहो तो आ सकते हो, आई मीन अगर तुम्हारा कभी मन करे तो। नहीं वैसे नहीं होगा, एक बार यहाँ काम खत्म हो जाए तो मैं आपसे मिलूंगा नहीं। राइट। But মানে color of eyes, hair, height, education, বাস আর কিছু জানতে পারবো না? আমরা সব টেস্ট করেছি। We make sure that we test up to 3 generation for any hereditary disorder. তারপরেই ডোনেশনটা নিই আমরা। না সেটা ঠিক যে, কিন্তু ওর স্বভাব বা কোনো স্পেশাল ট্যালেন্ট বা সেরকম কিছু। আপনি কি চেনা জানা কাউকে ডোনেশন করতে বলতে চান? কোনো বন্ধু বা বন্ধুর হাজবেন্ড? ইটস ভেরি সিম্পল, হি হ্যাজ টু জাস্ট কাম হিয়ার। আমরা সবকিছু ভীষণ কনফিডেন্সিয়াল রাখি। সচ কহুন তো, মুঝে ডকুমেন্টারি জ্যাদা পছন্দ হ্যায়। আই থিঙ্ক শকস ইউ আফটার দ্যাট, র আনঅ্যাডাল্টারেটেড পিপল, আই লাভ ইট। রিয়েলি? সো নাথিং ক্যান শক ইউ? হুম, আই ডোন্ট বিলিভ ইট। ট্রাই মি। ওকে, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। What? You're kidding? No strings attached. All you have to do is to donate your sperm. That's it. Oh. Well, in that case, I'd rather do it the conventional way. Your place or mine? How about a little cup at the fertility clinic? You got me there. Boy. चलो इतना तो मान जाओ कि तुम अब भी शौक हो सकते हो। Okay, let's select the pictures for your homepage. Maybe this one. If I select from one of your donors, ताहले क्यों शंके देखा करा जाए? Hafia, it's not possible. We don't allow that. अरे ताहले की करे जान बोश क्या मन मानुष? I need a face. Afia, I promise you will get a healthy child. তারপরে কেমন হবে সে তোমার উপর ডিপেন্ড করছে। The kind of opportunities you'll give. তুমি ওকে যেমনি ভাবে বড় করবে, ওমনি হবে। It's all about nurture. আমার একটু সময় চাই। ভেবে দেখি। শ্রীনগর is finished. It's over, damn it. তুম নহীঁ, মা নহীঁ, মে নহীঁ। কোই ওহাঁ পর বাপস নহীঁ জায়েগা। And that's final. सिद्धार्थ भी ना, कौन वापस जाएगा कश्मीर? अरे रहने देंगे हमें वहां पर? घर बेच दो, खत्म करो बात, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनता। Stop being such a control freak. और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या कहूँ। बच्चे को माँ बाप दोनों नहीं चाहिए क्या? ओ, मतलब आज तक किसी माँ ने अकेले बच्चे को बड़ा ही नहीं किया? But that's not a happy situation. अरे कोई खुशी से तो नहीं अकेला बच्चा पालता? If you ask me, you're being really selfish. Then so be it. I have decided. And I think you're wrong. Adopt kar lo. Kitne anath bacche hain? Sure, adoption is great. But why is it so difficult for you to accept that I want to have my own child? Why do I have to go around convincing everybody ki main abnormal nahi hoon? I'm tired of this. आफिया, मेघा, तुम सिद्धार्थ से पूछोगे? प्लीज आफिया, वो मेरा भाई है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा हम तीनों के सिवाय। रियली?
मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। अगर जिंदगी हो खुद में कहीं, फिर क्यों रहे किसी की कमी, बोझ बन के रहे क्यों सुबह किसी रात पे, आबदन डाले रस में सभी इसी बात पे, इसी बात पे, इसी बात पे, इसी बात पे। इसी बात पे, इसी बात पे, इसी बात पे, इसी बात पे। इफ इज अ मेडिकल स्टूडेंट ताले निश्चय बुझबे। आफिया डॉक्टर देरे तो इमोशन होय। प्लीज एक बार देखा करते चाहिए। आफिया इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक আছে, তাহলে অন্য কোন ক্লিনিকে চেষ্টা করে দেখি। এক মিনিট, আমি দেখি ওর সাথে কথা বলে দেখি। থ্যাংক ইউ। सूरज जी। हाय, मैं आफिया। हेलो, बैठिए। इट्स नाइस प्लेस दिस फ्लोटेल। अच्छा, ये लाल टी शर्ट पहनने का किसका आइडिया था? मतलब तुम लाल गुलाब भी ला सकते थे पर ये रेड टी शर्ट इस गर्मी में सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। थैंक्स फॉर मीटिंग मी। मुझे इस डिसीशन से पहले एक बार तुमसे ज़रूर मिलना था। देखिए, ज़रूरी नहीं है, मेरे सारे टेस्ट क्लियर है, मैंने पहले भी डोनेट किए हैं वहाँ पर। आई नो, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू नो दैट वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीशन है। आई एम गोइंग टू हैव अ चाइल्ड फ्रॉम यू। देखो, एक बार तो पहले मिलना ज़रूरी था ना। देखिए, ये पहले से ही अलाउड नहीं है, डॉक्टर के कहने पर मैंने हाँ कर दी, पर आपको पता है कि ये गलत है। जस्ट डोंट वरी। देखो, फॉर्म पे इतनी बेसिक जानकारी होती है दैट इट्स ऑल टू इनह्यूमन। आई वांटेड टू पुट अ फेस टू इट, इट्स रियली फॉर मी। ओके, डॉक्टर ने कहा कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो। जी। अच्छा, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? वो टाइम नहीं मिलता। ओके, म्यूजिक तो अच्छा लगता होगा। म्यूजिक किसको अच्छा नहीं लगता? आई मीन, तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है? यू नो, मॉडर्न, क्लासिकल, जैज, पुराने गाने, हिंदी फिल्म, मोहम्मद रफी। राइट। देखिए, अगर आपको और कुछ पूछना है तो मुझे देर हो रही है।
घर में मतलब तुम्हारे और कौन कौन है, जैसे भाई बहन? क्यों, उसे क्या मतलब? सॉरी, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? नहीं। डॉक्टर बासु ने तुम्हें काफी रेकमेंड किया है। देखिए, देखिए मुझे सच में कहीं जाना है तो मुझे देर हो रही है। नहीं, श्योर श्योर, तो डॉक्टर ये बता देंगे कि तुम्हें किस दिन आना है। एंड रियली थैंक्स अ लॉट फॉर मीटिंग मी। जी, बाय। বাথরুমটা কোথায়? হাই, জাস্ট গোয়িং টু দ্য লু। आप ठीक है? डोंट वरी, आई नो यू हैव अ गुड स्पर्म काउंट। नहीं, मेरा मतलब था कि सब ठीक ही होगा। थैंक यू डॉक्टर। मैं सच कह रहा हूं, आप मेरा यकीन नहीं करती। You're very young. तो what if I'm making a big mistake? वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको आपको कोई भी पसंद करेगा। आप सीरियसली, आप बहुत सुंदर है। You're a very kind boy. वैसे आप करती क्या है? सॉरी अगर आपको बताना नहीं। आई एम अ वेब डिजाइनर। वाओ। लिसन, हाउ डू आई कॉम्पेंसेट यू फॉर ऑल दिस? नहीं, वो आप डॉक्टर को दे ही रहे हैं ना? नहीं, वो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आई'd लाइक टू। नहीं, प्लीज 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 प्लीज। मैं आपको अपना फोन नंबर दे देता हूँ,
अगर आपको कभी मिलना है या यू नो। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। हेलो। क्या बना शाफिया? सन? यस सर। तो यू कैन गो नाउ? जी सर। हे शाफिया शो। आई नो लैपटॉप और चार्जर आउट। हां सर। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। आपको भी। Bye then. Bye. आप लेकिन भेतरे जाएं, उन्हें आपने जो नौकरी कर चुके हैं। आफिया, are you ready? बाहर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। आपकी कुर्सी पेटी बांध रखने का संकेत चालू है। आपके ट्रे टेबल को बंद रखें, कुर्सियों को सीधा कर ले और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्विच ऑफ कर ले। सरकारी नियमों के अनुसार सैनिक हवाई अड्डों पर उड़ान लेते और उतरते समय तस्वीर खींचना मना है। कप्तान नागपाल और सह कप्तान बिंद्रा और अन्य क्रू की ओर से आप सभी को नमस्कार। आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही और गो एयर से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। सत्वरी गई इचुक नौ बनो मत लिटिल हार्ट है अभी भी बरोबर सहज हुई याद बिकॉज अ पागल असस सारी छत पास आस आस खर्च आती करा जाना है अंदर शीला मैडम है अभी भी चलो ना मिल के आते बहुत खुश होती हैं जब ओल्ड स्टूडेंट्स मिलने आते हैं उन्हें नहीं पक्की जर मिनट लगन सच्ची नहीं मुझे कुछ याद नहीं है मैं थी कितने साल सच्ची मुझे याद नहीं है कितने साल हो गए यहाँ से जाकर सदीपक घर बस अब इतनी कश्मीरी नहीं आती मुझे हिंदी या इंग्लिश में बात करो बिल्कुल तुम बदले हो आज अंदर सारी चीज बुझने खातर अंदर खड़ा फरीदा वो आई चीन मेगा मौजी हिंदी मंच करकत
अमित शु कोशन मोशमत हाय क्या चक सवा परी जबान छाका मशरामा। भाभी जी कैसी हैं? साथ नहीं आई? माँ को पैरालिसिस हुआ था, अब ज्यादा चल नहीं पाती। या अल्लाह, बताया भी नहीं, फोन पे भी कुछ नहीं बोला। हमने सोचा सब ठीक है, अच्छा चल रहा होगा। अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू शुरू में सोचती थी कि यहाँ वापस आ जाएंगे, पर अब सेटल हो गई हैं दिल्ली में। कर लिया दिल्ली में? लेना ही पड़ा, कितने साल रिश्तेदारों के यहाँ रहते। सही है, अपना घर अपना घर होता है। शुरू में तो पापा मान ही नहीं रहे थे, दिल्ली ये कोई रहने की जगह है। मट्टू साहब को दिल्ली कब पसंद थी, एक हफ्ते में आ जाते थे वो बहाने बना के, वो दिल्ली में कभी नहीं टिकते। लेकिन जब विकास चाचा को मार दिया, पापा ने हार मान ली, वापस आने की आस ही टूट गई। काम नहीं, घर में बैठे सारा दिन चिंता करते थे। मैसिव हार्ट अटैक हुआ। ये जो कहरों को वक्त, चचक ने की ही क्या माँ, तैने लोग उतने कुन चीजें आते थे। जी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है फ्लाइट पे, वो साइन कहाँ करने हैं? सर क्या जल्दी ची जोर दो रोज। जी नहीं, मुझे कल की फ्लाइट से ही जाना है वापस, परसों मैं सिंगापुर जा रही हूँ काम के लिए। हाय कुरी, इस पेपर सब रेडी है, मैंने वकील साहब को बुला के रखा है, वो बस 4 बजे तक आ ही जाएंगे। मेघा तामत कर अंदर आराम, वीना गाथने ने एमसिन से कमरा समझ। अगर के गसी अगर कुछ चाहिए तो मैं यही हूं। हे हाँ, श्रीनगर से बोल रही हूँ। पैराडाइज खुदा के देख लो एक बार। अच्छा सुनो, वो एचआर वाली रिपोर्ट आज भेज देना, हार्ड कॉपी। मैं कल आ रही हूँ, पर रिपोर्ट आज चली जानी चाहिए। ओके क्या अब दिल्ली में नहीं मिलता क्या? मैं सैफरन कहाँ ढूंढती फिरूंगी यहाँ पर। ओके ट्राई करूंगी, कोशिश करती हूँ। ओके थैंक्स। Sorry, get ready. Nana, Zinier. Бұрозы еті. Ақбар чақта паранцы. Занай жоқ мөйт бұңын жоңыд. Тек астас лагвыны варя вақыт. Тотама цалы өз дилі. Еті ай розовды қабар кәс апте. Сырф шан сатан ғатын қыдыр. Харға іс әкілет еті дырай. Паты дине әс еті көйін дейін. Ет омай вынет. Тұм яғам?
मेघा सुमेघास दिस आर निगास न अगर ए सरिया चलन तेली पेना मितियन चलन मचो अखाइडिया सकरी वारो कसत खानदर पत नहीं करी नसे यति कहे नाते जेमाय छुए दिमाग गोमत खराब बहाय जस बटकोर तो सु सुआय छु मे आने खा दियो लगोट दिल क्या दिल ने खास शब्दम करियत यथे कहे सै पाखतेले अससोय पापा ओसवना सुसोइज में सेंट स्टीफनस मंस पाखते वैने मजे ही नाय ना ना बनाई यमै ना बनाई त्रावन पनन घर बिचुन ने इंडिया का सुन तेरे रोज से यते बैगारी बुरकदित शट अप तुम्हें ये अच्छा लगता है ये सब आदत पड़ गई है अच्छा तुम्हारा वो आजान हाँ अमेरिका चला गया तुमने शादी करने की नहीं सोची तुमने भी कहा कि और फारुख है ठीक क्या करता है दिखाई नहीं दिया बाहर गया कहीं नहीं घर पर है विकास चाचा का घर क्या हालत हो गई है मेघा वापस चलते हैं मौजी इंतजार कर रही होंगी तुम जाओ मैं आती हूं चिंता मत करो आई एम नॉट गोइंग टू क्राई
फारो घुबरा प्रश्नव थंडिया मेगा आदाब सलामकुम नजीर साहब अपने टस बनी बस क्या दलील फारूक अहमद यूरी सिस्टम साहब उसमें थी ना 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 रिजान को देखिए वार उछी आज सुन के लेन देन यमन से शुक्रिया ठीक खुदा हाफिज छह साल हो गए उसे सरेंडर किए हुए फिर भी हर दूसरे दिन आ जाते हैं मुश्किल कर दिया हमारा जीना यहां पे अच्छा होता वो शहीद हो जाता रूबी तो अवार्ड की तरह ये फोटो को क्यों टांगे रखा है ताकि कोई भी हमारे घर में आए तो उन्हें पता चले कि हम लोग रिफॉर्म हो गए हैं फोटो दिखाओ पेपर पढ़ाओ बस हम लोग रिफॉर्म हो गए हैं रूबी तलबी दी है इस बात की हम 6 साल हो गए हैं फिर भी वो आज तक टेररिस्ट का टेररिस्ट ही है लेकिन बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर और वहाँ पर एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी ना फिर रुबीना और मैं किताबें लेते थे वहाँ से ज्यादा लोग नहीं है रास्ते पर ये छनोहार वालेकुम बेग सर वालेकुम अस्सलाम बेग सर प्रेजनर थन मट्टू सर भी गूर अरे कितनी बड़ी हो गई है बेटा मट्टू साहब कैसे हैं भाभी जी ठीक हैं मट्टू साहब नहीं आए भाभी जी नहीं आई तला जाफरान दे अच्छा ये मिच्छु सुगत नहीं गोबरिया ये क्या चक्स करान मैं तुमसे पैसे लूंगा बेटा तुम्हारी माँ को अस्पताल मैं लेके गया था तुम्हारे वक्त पर अच्छा। विकास रोज आता था मेरे बेटे शाहनवाज के ये कहाँ रखे थे खत्म वो शाहनवाज की दुकान थी और आप मुझे वहां लेकर गई चले त्रा प्राणी कथ बन विकास चाचा को शाहनवाज ने मारा था उनके घर में घुसकर उनका दोस्त था ना वो शाहनवाज तो मूत सरहद पार उसकर आर्मियन का क्रिसमस अच्छा हुआ ये मैं वन गोबरा अमी कीमत छु सारी हो चुकूमत शाहनवाज उसने उस लड़के क्या पता कुछ जुनून सा तेमिस तेमिर पनिस दोस्त सुन जूनू वकील कब आ रहे हैं काफी घर खाली पड़े हुए थे बहुत घरों पे सीआरपीएफ ने कब्जा कर लिया बहुत सालों से इन घरों की मरम्मत नहीं हुई इस वजह से इनकी हालत खराब हो गई है लीगली नॉट एन इजी प्रोसेस टू बाय दीज प्रॉपर्टीज अब लोग वापस आ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है लेकिन कितनी फैमिलीज वापस आए यहाँ पे ये देखिए मेघा आ गई क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ जरूर थैंक्स हाय माय नेम इज अभिमन्यु आई एम फ्रॉम बेंगलुरु
एक्चुअली यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ उसके लिए। यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था सिचुएशन समझने के लिए। लॉयर जफर खान ने बताया आपके आने की वजह। मैं सोच रहा था कुछ आपसे भी बातें सुन लूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ये घर आप ही का था ना? नो नो, पर नो, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। नो इंटरव्यू। सी डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं वन साइडेड फिल्म नहीं बनाना चाहता। आप कश्मीरी पंडित हैं ना, आपकी कहानी जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। यू टू हैव सफर्ड। नो, आई हैव नॉट सफर्ड। आई हैव अ ग्रेट लाइफ एंड आई एम एक्चुअली ग्लैड दैट आई एम आउट ऑफ हियर एंड इन द रियल वर्ल्ड। बेटी जी, घर अब भी तुम्हारा ही है, जब भी चाहे चली आना। इंसान चाहे चांद पर पहुंच जाए, अपना घर नहीं भूलता। सिंगापुर, अमेरिका, कहीं भी जाओ, लेकिन तुम्हारा घर यहां है। आते रहना, यादें ताजा रखना। सलामकुम बाजी, वारिशु सोरिशु ठीक। My cousin. Tourist? First time in Kashmir? नहीं। पता है ये सब घर किसके हैं? पंडितों के। वो लोग भाग गए। भाग गए? या भगाए गए? मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें कोई डराए, धमकाए और बोले कि यहाँ से चले जाओ और फिर तुम यहाँ से चले गए, तब ये मतलब क्या गा? चले चल रहे बेक। मेघा। चल रहे। ठीक मेघा, चलो ना। इस तार के बिना कुछ है क्या श्रीनगर में? सोचो जरा, अगर यहाँ अमन आ जाए तो ये तार बनाने वाले का धंधा तो डूब गया ना। बिजनेस ऑफ वॉर। आइस हैकल या फिर बॉन वैसे मुझे पता था वो यहीं आना चाहते थे। खुदा हाफिज अम्मी। बक्सा वापस इज गोबरा मोज तेंजन सुत अबू बद्रायस।
सचुए पासान येम वरे इन खतीज पंधरी में जरूर वान्यन नजा। चलो शर्त लगाते हैं, 100 रुपए, 15 को पक्का आएंगे। रुबीना, तुम फारूक को थिएटर में इन्वॉल्व क्यों नहीं करती? इट कैन बी वेरी गुड थेरेपी, ही यूज्ड टू लव एक्टिंग ना। मेघा, तुम बिल्कुल दिल्ली वाली बन गई हो। पता है यहाँ सिर्फ एक सिनेमा हॉल रह गया है, शाम को लोग डर के मारे घर चले जाते हैं, टीवी देखते हैं, बस यही लाइफ है हमारी। तुमने आजान से शादी क्यों नहीं की? अमेरिका में होती अभी। सब लोग तुम्हारे तरह नसीब वाले नहीं होते। कौन सा नसीब रुबीना? आधी रात को चोरों की तरह जान बचाते हुए भाग जाना, रेफ्यूजी कैंप्स में रहना, 20 साल तक अपने घर वापस ना आ पाना, कौन सा नसीब है? मेघा, I'm sorry। मुझे मालूम है तुम पर क्या बीती होगी, पर हमारे साथ भी। प्लीज कट इट आउट रुबीना। किस बात से प्रॉब्लम है तुम्हें यहाँ? आर्मी तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रही है, इंडिया तुम्हारा हक छीन रही है, या फिर कोई भूलने नहीं दे रहा कि तुम्हारा भाई एक ट्रेन मुजाहिदीन है? किस बात से प्रॉब्लम है तुम्हें रुबीना? इस जन्नत में जीने की सजा से मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर ये सब नहीं होता तो मैं कहां जाती, क्या करती मैं। तुम हमसे बहुत नाराज हो ना, लेकिन एक बार सोचो कि अगर तुम्हारी जगह मैं निकल गई होती और तुम यहां रह जाती तो। साए साए बीते दिनों के साए गहरे वो लौट आए। मैं ठीक हूं मेघा, तुम्हें निकलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो गया है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखना। पतझड़ों में झड़ गए पाक्सा अपनी हर खुशी, सर्द सांसें भूखते हैं हर पल बेबसी। खुश रंग सी सुबह, खुशबू भरी सवा, तोहफे में दे रखी थी हमको जिंदगी ने। क्यों वक्त बेवजह उन्हें छीन ले गया, जहमत बिना की सोचने की ये किसी ने किसी। मैं अक्सर एक सपना देखता हूँ, मैं अपनी कॉफ़ी प्लांटेशन में हूँ माँ के साथ, एक पुराना वाला साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, उसे कस के पकड़ के बैठता हूँ, बार बार गिरते गिरते बचता हूँ। अजीब सी बात है, उस सपने में मैं हमेशा लड़की होता हूँ। मैं भी बहुत टाइम से सोच रही थी, अभिमन्यु तुम गे तो नहीं हो ना? तुम्हें क्या लगता है? अगर हो तो व्हाट अ वेस्ट, बताओ ना। ए बिना नाम वाली बिल्ली, तू भी बिल्कुल अपने मालिक की तरह है, दगाबाज। तुम्हारी जैसी लड़की अगर सिंगल हो तो वो इंडिपेंडेंट है, और मैं गे। एक अट्रैक्टिव आदमी जो इतनी सारी खूबसूरत औरतों के साथ हमेशा रहता है, एंड येट ही डज नॉट थिंक विद हिज डिक। हा हा हा।
क्या मैं तुझे अट्रैक्टिव लगता हूँ? तुम्हारा ये जादू मुझ पे नहीं चलने वाला। मैं तुम्हारी उन औरतों और आदमियों की तरह नहीं हूँ। जलस टॉपिक मत बदलो। Are you sleeping with any of them? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि I don't think with my dick. And if a man did that, you would just call him an asshole. Got me. अच्छा सुन, अपनी उस आर्किटेक्ट फ्रेंड से कब मिलवा रही है? अपर्णा, राइट? तुम जो है फाउल गोल मार के जीते। नहीं, वो फाउल नहीं था, आप जानबूझ के गिरे थे अंकल। अरे मैं जानबूझ के नहीं गिरा था बेटा, बेटा वो फाउल गोल था। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम मुझे अंकल तो मत बुलाया करो। तुम्हारे पापा नहीं है तो मैं ही तुम्हारे पापा हूँ, तो अगर मुझे तुम पापा बुलाओगे तो माँ को भी अच्छा लगेगा। आशु बेटा सो गया, जगा है। देखो मैं क्या लाया, गेम किंग। चल मेरे कमरे में चल, मैं सिखाता हूँ कैसे खेलते, नहीं तो कल मम्मी आ जाएगी। हाँ आओ बेटा, आओ मेरे बेटा। ए जय, हाय। हाय अभी, मुंबई से कब आए? Couple of days. Cool. Looks quite sexy, huh? Come, join me. Coffee? Thanks. मुझे देख के इतने परेशान मत लगो। Family से मिलने आए हो? हाँ, mom was not well और कुछ और भी काम था तो इसलिए। Right. So, तुम्हारी film कैसे चल रही है? ठीक चल रही है, काफी busy रखती है मुझे। Hey, Natasha ने मुझे तुम्हारे incident के बारे में बताया। It was shocking. Horrible. चल मिला, क्या हुआ? अभी उस शाम के बाद तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। Oh, Jay, you know, मैं करना चाहता था। Would you like to place your order? Yeah. Yes, I'll have one black coffee. Right, sir. That's it. Thank you. Jay, मैं फोन करना चाहता था, but you know. फिल्म के सिलसिले में रियली बहुत बिजी था। सो हाउ इज फिल्मिंग? ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रही है। हे, आई गॉट गो, एंजॉय कॉफी, और अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मुझे फोन जरूर करना, सालों की धुलाई कर दूंगा। अगली बार पीने के लिए कंपनी चाहिए तो मुझे फोन करो। दैट बी नाइस। इनफैक्ट विशाल को भी साथ लेके आना, अपनी फिल्म के लिए म्यूजिक के बारे में उससे बात करने की सोच रहा था। एक्चुअली विशाल एंड आई वी ब्रोक अप। ओह, आई एम सो सॉरी। नहीं, अगर तुम चाहो तो आई कैन। नहीं, ऑकवर्ड होगा बात करना, फॉरगेट इट। मैं फोन कर सकता हूँ। श्योर, ओके, यू ओके विद दैट? या थैंक्स जय, आई विल कॉल यू। बाय अभी। बाय जय। Hey! Cheers! 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 I love this number. Aparna! Aparna! Let's go dance! Nah, let me enjoy my drink. Abhi, let's go dance. I don't like to dance. I don't know if our culture is against it. Bengaluru, my brother, we'll start to kill each other. I'm good. चौक पे तुम्हारे रेस्टोरेशन के काम के बारे में पढ़ा था। व्हाट अबाउट बेंगलुरु? यहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं दैट नीड रेस्टोरेशन।
विंडो लॉबी उनके गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। काफी दिलचस्पी है तुम्हें पुरानी चीजों पे। कुछ चीजें होती हैं प्रिजर्व करने के काबिल, वाइल्ड लाइफ, आर्किटेक्चर, एनवायरमेंट और बच्चे। बुरा मत मानना पर ऐसे सोचने वाले मैं बहुत कम मिलते हैं। I'm special. आशीष, लंच क्यों नहीं किया? तुम्हारी माँ गुस्सा हो जाएगी, बोलेगी कि मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाता हूँ। चलो नीचे चल के लंच करते। आशीष, चलो चल के लंच करते हैं। आशू, मैं कुछ कह, चलो। बिल्ली, तू कहाँ चली गई थी? हटाओ इसे, हटाओ। देखो आशू, मैं जब तुमसे कुछ बात करता हूँ, बोलता हूँ तो जवाब दिया करो। चलो यहाँ से। मैं मम्मी को बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम जानते हो ना वो मुझसे कितना प्यार करती है, जानते हो ना तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगी। देखो आशु, अच्छे बच्चे बनोगे तो माँ भी खुश होगी, नहीं तो तुम चाहते हो कि वो भी चले जाए पापा के पास, है ना? मुझे भी नहीं अच्छा लगता तुम पे हाथ उठाना। हर बात पे गुस्सा मत दिलाया करो, ओके? मेरा अच्छा बेटा, जानते हो ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुमको, जानते हो ना? रोज आते हैं
समंदर ये उदासी के है, दिल को भिगो जाते हैं, भिगो जाते हैं, टूटे हैं जो ख्वाब रहते थे आँखों में, बोझल से लम्हों की शाम है, खाली सी इन आँखों में, मिले मिले किसी के भी पीछे। अरे तुम, हाय। मैंने कहा था ना, तुम बिल्कुल इसके जैसे हो। तुम दोनों को देख के मुझे ब्रेकफास्ट या टिफिन याद आती है। और ये ऑड्री हेपबर्न है। तुम अभी तक नाराज हो? अपर्णा को घर जाना था तो मैंने उसे छोड़ दिया, दैट्स इट। और मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सुना, तुम इतना एंजॉय कर रही थी, मैंने सोचा तुम्हारी शाम क्यों खराब करूं। छोटी छोटी बातों पे क्यों बिगड़ती हो? और ये तो एक कोइंसिडेंस ही है कि अपर्णा का नया प्रोजेक्ट जयनगर में एक विला का रेस्टोरेशन है और तुम एक आर्ट डेको बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हो। नाउ यू ओवररिएक्टिंग। आई विल टेक यू आउट फॉर डिनर टुमारो नाइट। मुझे समझ में नहीं आता मैं हर बार तुम्हें माफ क्यों करती हूँ। क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ। मैं शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। Then leave. Bye. River. चलो शुरू करते हैं। Ship. नहीं। अच्छा। फिर घर? ऐसा घर नहीं। किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में। बैंगलोर में। ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स। पता है जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैंगलोर से दूर ऐसे ही घर में रहेंगे। आशु, पापा मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे पास तो ये साइकिल है। अरे तुमको कुछ नहीं पता माँ। पापा प्लीज, आपको दिखाई थी ना गियर वाली डाली साइकिल की फोटो। ये हर कुछ दिन बाद नया साइकिल खरीदने का क्या चक्कर है? अरे आशा, जाने दो, साइकिल ही तो है। तुम उसे बिगाड़ रहे हो बेटा। अच्छा देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारी साइकिल मिल जाएगी, लेकिन बदले में बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलेगा। डन। ठीक है, चलो अभी माँ को ये प्रॉमिस करो कि ये तुम्हारा आखिरी साइकिल होगा, उसके बाद हम तुम्हें बाइक लेके देंगे। अरे अरे, अपना बच्चा बड़ा हो रहा है भाई। आशा आशा। Hey handsome. Hey gorgeous. Looking good. एक बात बताओ, तुम्हारी जैसी सेक्सी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? मतलब? नहीं वैसे ही सोच रहा था कि बी ओरिजिनल हनी। भूख लगी है, डिनर पे चले? जय और विशाल भी आ रहे हैं। जय और विशाल? हाँ, जय डिनर पे जाना चाहता था। तो तुम विशाल से अपना म्यूजिक करवाना चाहते हो? कितना यूज करोगे सबको? किसी को तो छोड़ा करो यार। मैं जा रही हूँ। बेब्स, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? What's the big deal? I just can't understand. यही तो प्रॉब्लम है। अमन गंडा सूले मक्का। आशु, कम इन। मैं कल वापस आ जाऊंगी, ओके? बाय माँ। नाना नानी सबको नमस्ते कह देना। और तू पापा का ख्याल रखना, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल, ओके?
ये है मेरे यहाँ से निकलने का रास्ता एंड यू विल पे फॉर इट। आमा तू एक बार तो हॉस्पिटल जाके मिल ले उनसे। माँ मैंने बोला था ना मेरी एडिटिंग चल रही है। आशु तुझे हो क्या गया बेटा? जब से बैंगलोर गया है कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है घर नहीं आने का। पापा है वो तेरे आखिरी सांसें गिन रहे हैं, एक बार मिलना चाहते। उन्होंने तुझे पाला है लेकिन लगता है तेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। दरवाजा खुला है। हुआ क्या? लड़ाई हुई अपर्णा से? क्या वो समझ गई कि तुम? अभी माँ का फोन आया था, मेरे स्टेप फादर बहुत बीमार है, ज्यादा टाइम नहीं उनके पास। सॉरी पर तुम क्लोज नहीं थे ना उनके? क्लोज? जब मैं घर छोड़ के बेंगलुरु आया सोचा कि सब कुछ पीछे छोड़ाऊंगा, अपना नाम तक बदल डाला, लेकिन और 10 सालों में तुमने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया? मैं हर महीने 2 बार कुर्ग में अपने कॉफी प्लांटेशन साइट पर अपनी फैमिली को मिलने जाती थी। मैं नहीं जाता था क्योंकि मेरा स्कूल होता था। घर पे रहता था उसके साथ और हर बार शायद तुम्हें अजीब सा लगे लेकिन कुछ वक्त बाद उसके ये प्यार या जो भी था मुझे उससे तसल्ली मिलने लगी, मैं उसका फायदा उठाने लगा। अगर कुछ भी चाहिए होता था तो at the age of 13 I was like a slut. बच्चे थे तुम अभी? वो मुझे मिलना चाहता है, एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। उसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। माँ की आवाज सुनाई देती है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
साथ चलोगे? कल रात 2 बजे चल बसे। हम उन्हें घर नहीं लाए। आज सुबह हुआ क्रियाकर्म, उनके भतीजे ने आग दी। सॉरी मां, तुम्हें देनी चाहिए थी। अभी आ गया आंटी, वो बहुत है। मैं आती हूँ। सो रहे थे? हाँ। अच्छी है नताशा। अच्छी है। लगता है मैं उसे पसंद नहीं आई। उसे पता है माँ? क्या क्या पता है? कि वो शादी करने के लिए कैसी औरत ढूंढ रहा था जिसका कुछ छोटा बच्चा हो। कैसी बात कर रहा है शुभ? कितना प्यार करती। जब भी तुम जाती थी वो हर रात आता था मेरे पास। झूठ झूठ बोल रहा है तू। तुमने 10 साल तक कुछ नहीं देखा मां, या फिर देखना नहीं चाहा? इसलिए आए हो यहां? माँ हूं मैं तेरी। मैं भी तो तुम्हारा बेटा था मां। वो रहे नहीं और तुम उनके बारे में बहुत मतलबी हो गया तू। शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर सच का सामना कर सको तो फोन करना। नाम क्यों नहीं है? मेरी पहली बिल्ली मुझे सड़क से मिली थी। हाँ। मैं उसे बिल्ली बुलाने लगा तो उसका नाम ही बिल्ली पड़ गया। फिर एक दिन गुस्से में आके उसने उसे मार डाला। अगले दिन मेरे लिए एक नई बिल्ली ला दी। नई बिल्ली ने पुरानी बिल्ली की जगह ले ली, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। फिर एक तीसरी बिल्ली आई और ये बिल्ली नंबर 4 है। तीसरी बिल्ली एक गाड़ी के नीचे आ गई। इस बिल्ली का हम अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। कब?
body of a civilian, Mohammad Maqbool Ghani, resident of Saribala, Srinagar, was found near Maisuma Pant. All trade activities and traffic were closed, and protesters were chanting slogans against administration and were demanding probe. To curb the violent mob, police... All away, it's in the air, it's a chance, no. Through the hands. Umar Gold. Through the... Oh, to see the world, there's such a lot of world to see. Oh, he goes after and he gets away with it. Hey, Nats. I'm back. What's up, Chinna? I flew back 2-3 days ago. Yes, 3 months. Nanu, Achir Bikagit. Okay. Listen, Munin Vara Bangalore ke baro plan ide. Of course I heard the news, darling. I don't live in the boonies. Yeah. At last, I'm allowed to breathe freely. Delhi High Court, jail. I don't know, I'm not so... Nats, I'll call you back in a bit. Mohan, gaadi roko. Hi, Nats. What's up, Chinna? Shooting in Gitu? Okay, listen. I'm off to Sydney. In April. Not just in Newtown, okay? I'm going for a conference. Conference is for 3 days. Listen, if you want some makeup stuff, just give me a call, okay? Bye, Chinna. Excuse me. Main wo dekh sakta hun? परसों का है सिर्फ शो टाइम इज देखने थैंक्स मैंने सुना है मिल्क अच्छी फिल्म है मैं सोच रहा था देखने की तो तुम मेरा वेट कर रहे थे Hi, I'm Omar, from Delhi. Omar from Delhi. I am Jay, from nowhere. Oops, sorry. How do I, Ma? I'm at work. Dinner. I'm not so sure about dinner. Sydney is in April, Amma. Nivu appa ebru uta mari. Okay, Amma. Bye. Sorry, Omar. What a beautiful name. Mm-hmm. Omar Sharif. What a beautiful man. Actually, tumhari girlfriend ga sakti hai. Omar Dala. Omar Dala. Terrible one. Unfortunately, meri girlfriend nahi hai. 9:30 बज गए शो का टाइम तो हो गया वेल मुझे डिनर के लिए जाना है इट वाज नाइस मीटिंग यू कम ऑन लेट्स गो फॉर डिनर माय ट्रीट कॉफी नहीं पियोगे हाँ हाँ हाँ
सो एक स्ट्रगलिंग एक्टर का बिग बैड बॉम्बे में गुजारा कैसा चलता है? रिच पेरेंट्स. वो तो मेरे एक्टर बनने के खिलाफ है. होटल मैनेजमेंट छोड़ के आया हूँ, वेट कर रहे हैं मेरे घर वापस आने का. थाउजेंड्स कामयाब, तुम्हें कामयाबी क्यों मिलेगी? बचपन से एक ही सपना है, अपना टैलेंट दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. कुछ भी? हम्म. मेरा एक फ्रेंड है अभिमन्यु, इज डायरेक्टर, मैं उससे एसएमएस करता हूँ. एक्चुअली नो, ओमर फ्रॉम दिल्ली, तुम एक पैसे वाली गर्लफ्रेंड ढूंढ लो. और अगर मैं गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ रहा हूं तो? अगर तुम्हारे जैसा कोई ढूंढ रहा हूं तो? याद रखूंगा. वैसे एक बात बताऊं, अमीर लड़कियों को मुझ जैसे आदमी पसंद नहीं होते, उन्हें तुम जैसा आदमी चाहिए होता है. रिच, फेमस, हैंडसम. मस्का लगा रहे हो? नो, मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसे मैं पसंद हूं. और तुम कौन हो? डिजर्ट? नो थैंक्स. फ्लैट स्टमक. फ्लैट स्टमक के भी अपने फायदे होते हैं. अगर फायदा उठाना आता हो तो. तुम्हें क्या लगता है जय, मुझे नहीं आता? डेढ़ बज गए. थैंक यू फॉर अ लवली मील. ड्राइव? नहीं, मुझे घर जाना चाहिए. यू श्योर? अच्छा, इट्स अ ब्यूटीफुल नाइट. मुझे अपने घर ले जाने से डरते हो? नहीं, माय पेरेंट्स आर विजिटिंग नेक्स्ट टाइम.
काय करता है रे? व्हाट्स रॉन्ग? पकड़ोगे मत करो। बाहर ये, बाहर ये। चला। और कोई जगह नहीं मिला गांड मराने को साला। सर सर आप गलत समझ रहे हैं सर, हम तो बस ऐसे ही घूमने निकले थे। हाँ सर, आई एम एक्चुअली अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ। इंग्लिश बोलने का नहीं, घूमने को निकले थे कपड़े खोल के ताकि हवा डायरेक्ट बॉडी को लगे। सर हम तो सिर्फ वैसे ही जस्ट वैसे ही चा हाँ चल थाने चल थाने चल प्लीज सर प्लीज जाने दीजिए प्लीज सर साला जाने दे ताकि तू और भी किधर भी जाके गांड मरवाए। साला कल्चर खराब करता है, शर्म नहीं आता है तेरे को? लड़की के साथ खड़ा नहीं होता है तेरा बाल। किधर फंसा है तू इसको? चल आईडी बता, आईडी बता। ए तेरे को इनविटेशन भेजू क्या? आई जौली, जय गौड़ा, जय गुड़वा होना मांगता था। मद्रासी है तू? बैंगलोर से। और ये कौन है, तेरा रांड? नहीं नहीं सर, सर मेरा दोस्त है, ही इज अ फ्रेंड। ओ उमर, ओ उमर आम्ही फक्त मित्र आहे, तुमची चूक होते आहे साहेब। चूतिया बनू नको, मुंबईच्या बाहेरून येऊन इथे गांड मारतोस, याची कधी पासून घेतोस? काफी टाइम से साहेब, याला जाऊ द्या ना सर। जाऊ द्या साला। 3 घंटे पहले मिला, दोस्ती भी हो गया, कपड़े भी उतर गए। हां चल थाने चल, थाने चल, थाने चल। प्लीज गलती हो गई सर। हाथ मत लगा, हाथ लगाने का नहीं। मी बोलतो ह्याच्याशी, प्लीज ह्याला मारू नका, प्लीज प्लीज मी ह्याच्याशी एकटा बोलतो। तू हिंदी में बात क्यों नहीं कर रहे हो उमर? जस्ट डू व्हाट आई टेल यू, जस्ट ट्रस्ट मी प्लीज। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता है, हायर अथॉरिटी को पता चलेगा कि मैं तुम लोग को ऐसे ही जाने दिया करके तो मेरा नौकरी का वाट लग जाएगा। लॉ इज लॉ। बोल साले को, हवालात के अंदर गया ना तो अक्खा लाइफ उधर ही चढ़ जाएगा। सर सर प्लीज 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 माफ कर दीजिए सर, जितना भी है प्लीज ले लीजिए, प्लीज जस्ट टेक इट प्लीज। घुस दे रहा है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, चुप। घुस दे रहा है मेरे को? नहीं नहीं सर, मेरे को घुस दे रहा है? मतलब कर चुप, मेरे को घुस दे रहा है? मेरे को घुस नहीं है सरकार, घुस नहीं है, गिफ्ट है, गिफ्ट। थैंक यू गिफ्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू गिफ्ट। तेरा घर किधर है? चल उधर चल के बात करते हैं। तो सर प्लीज सर प्लीज प्लीज सर, मेरे पेरेंट्स आए हुए सर, सर प्लीज सर, सोसाइटी के लोग देख लेंगे सर, प्लीज प्लीज जस्ट। चल उठ 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 या बोल, मला 1 लाख पाहिजे। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है सर। येड़ा समझाए मेरे को, येड़ा समझाए। मैनेजिंग डायरेक्टर है तू मल्टीनेशनल कंपनी का, एक पेटी नहीं है तेरे पास? सॉरी सॉरी सॉरी, इधर रिस्पोर्ट डालेगा तेरे को साला। मैं तेरा प्यार से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और तू मी आला मदद नहीं करना। बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। कितना पैसा है तुम्हारे पास? मेरे पास 5,000 रुपए। One lakh is crazy. लेकिन तुम भी तो हो इस प्रॉब्लम में। मेरे पास 500 रुपए हैं, वो मैं दे दूंगा। तुम दोनों फिर से चालू हो गए हैं क्या? नहीं सर, तुम घर से नहीं ला सकते? घर पे भी इतना पैसा नहीं है उमर। क्या डिसाइड किया लोग ने? सरकार देखिए, इसके पास अभी 5,000 रुपए हैं, ना ही घर पे कैश है। पूछ रहा है अगर आप साथ ATM चले तो। टर्नर रोड पे ATM है सर, 2 मिनट लगेंगे। ए साले दिमाग खराब हो गया तेरा? ATM के बाहर खड़े होकर तेरे से रिश्वत लेगा? माए मेरे को भी हवालात में डलवाने का है क्या? नहीं 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 सर, मैं जा सकता हूँ। तेरे से गांडू भी भरोसा करेगा माए? ए पाल चूतिया, चल जा, तू लेके आ पैसे, तभी तक मैं तेरे आइटम के साथ खड़ा रहता इधर। चल जा।
सर मैं शर्ट पहन सकता हूँ गाड़ी में? इधर आ। मारेगा नहीं तेरे को, आ जा, डर मत। बहुत मजा आता है, शर्माता का कोई मार अच्छा। सॉरी मैं तेरी गांड नहीं मार सकता है, पर मांगता है तो तेरा थोड़ा मदद कर सकता है। चल चालू हो जा, देख कर रहा है मारे चोर, पहली बार कर रहा है। नौटंकी नहीं मांगता है मेरे को, देख थाने ले गया ना तो उधर सबको खुश करना पड़ेगा, वही चाहिए ना तेरे को, समझा नहीं तेरे को बहन चोर। जय, जय तुम ठीक हो? वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, ला पैसे ला। कितना है? 50। 50? मैं एक बोला था। मोबाइल फोन दे। जय मोबाइल। इसका फोन डिजाइनर मॉडल है, कम से कम 25,000 का होगा। 50 और 25 75 हो गए, बचे 25। चल दे फोन, तेरे सड़ेले फोन का 5 हो गया, अभी बचे 20। कौन देगा? तेरा मौसा। ए इसको कितना दे रहा था तू? 20। चल कोई बात नहीं, 20 के बदले इसको लेके जाता मैं थाने। चल। नहीं 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 जय, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ। चल चल। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी चुप करके गाड़ी में बैठो, कल्टी वाले इधर से। साला मन नहीं भरा तेरा, फिर से मांगता है तेरे को। चल हट। जय वापस कब आए? I'm glad तुम्हें छोड़ दिया उन्होंने, तुम अच्छे लग रहे हो। Thanks। ऐसा नहीं लगता कि तुम पुलिस कस्टडी में थे। Does he look like he was in police custody? Sorry, मुझे किसी से मिलना है, और कभी मिलेंगे। जय, how are you, Omar? It's been a while। जय, किसको लूटोगे आप? तो हम क्रिमिनल रहे नहीं, राइट? किसको लूटोगे? जय जरा एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। You know why? उस रात को मैं घर नहीं गया, मैं अपनी कंपनी के सबसे बड़े लॉयर के घर गया, उसे बिस्तर से निकाला और हम दोनों गए पुलिस स्टेशन तुम्हें छुड़वाने के लिए। लेकिन वहां उमर था ही नहीं। Where the hell is उमर? वो पुलिस वाला था वो, लेकिन उसने मुझे पहचानने से तक इनकार कर दिया। ना, जय, और 5 पुलिस वाले थे, सब सब हंसने लगे। That's when I realized. That's when I realized. You hustler! तुम मिले हुए थे। You bastard! जय, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ये लो तुम्हारा फोन। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। I don't want your money. जय, हाथ पे लगाना। Don't touch me. उस दिन जो मैंने खोया।
मुझसे चुनेंगे। खुशबू भरी सवा तोहफे में दे रखी थी हमको जिंदगी ने, क्यों वक्त बेवजह उन्हें छीन ले गया, जहमत भी ना की सोचने की ये किसी ने किसी सुबह खुशबू भरी सवा